देहरादून से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। धामी कैबिनेट की बैठक जारी, सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, विकास के रोडमैप पर चर्चा होगी। चिंतन शिविर में आए सुझावों पर बनेगा रोडमैप। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर फैसला आ सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारत बनने के प्रस्ताव पर चर्चा, साथ ही विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली पर मंथन होगा। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त किताबें देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बहुमंजिला इमारत बनने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी और कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त किताबें देने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। देहरादून से जानकारी, धामी कैबिनेट की बैठक जारी है, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। विकास के रोडमैप पर चर्चा, तो चिंतन शिविर में आए सुझावों पर रोडमैप बनेगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर फैसला आ सकता है। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त किताबें देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा, विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली पर मंथन होगा। तो छात्रों को मुफ्त किताबें देने के प्रस्ताव पर चर्चा होगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, ये बैठक मानी जा रही है। विकास के रोडमैप पर चर्चा होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। चिंतन शिविर में आए सुझावों पर रोडमैप बनेगा। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर फैसला आ सकता है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बहुमंजिला इमारत बनने के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली पर मंथन होगा। तो छात्रों को मुफ्त किताबें देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। देहरादून से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, ये बैठक मानी जा रही है। विकास के रोडमैप पर चर्चा होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। चिंतन शिविर में आए सुझावों पर रोडमैप बनेगा। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर फैसला आ सकता है। तो बहुमंजिला इमारत बनने के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली पर मंथन होगा। छात्रों को मुफ्त किताबें देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा, ये बड़ी अपडेट हम आपको देहरादून से दे रहे हैं। धामी कैबिनेट की बैठक जारी है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। अब बैठक के बाद देखना होगा कि किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। विकास के रोडमैप पर भी चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए धामी कैबिनेट की बैठक जारी है और अब बैठक के बाद देखना होगा कि किन किन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगती है। इस बैठक में मौजूद है। खासतौर पे देखा जाए तो पिछले दिनों मसूरी में एक चिंतन शिविर राज्य के तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ सरकार का हुआ था और ऐसे में कई ऐसे रोडमैप को लेके चर्चा किया गया है जिसके जरिए उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाया जा सके, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, उद्घाटन का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो। इस प्रकार से रोजगार के जो संसाधन है उसको उत्पन्न किया जाए और कैसे विकास के आयाम नए पैदा किए जाए, इस बात को लेकर मंथन किया गया था और उम्मीद की जा रही है कि आज जो कैबिनेट की बैठक है और जो सुझाव चिंतन शिविर में अधिकारियों की तरफ से कई जो विशेषज्ञ आए थे उनकी तरफ से रखे गए थे उस पर आज चर्चा किया जाएगा और एक जो रोड मैप है उसको कहीं ना कहीं तैयार किया जाएगा और एक निर्णय जो है इस कैबिनेट की बैठक में इसको लेके किया जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो कई ऐसे विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली है जिसपे मंथन हो सकता है और कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसपे मोहर लगने की उम्मीद है। खासतौर पे देखा जाए तो शिक्षा विभाग से अगर देखें तो जो अशासकीय स्कूल है कक्षा 9 से 12 तक के उसमें जो छात्रों को मुफ्त की किताबें देने का जो प्रस्ताव है वो बनके तैयार है। शिक्षा विभाग इसको आज कैबिनेट में लाने वाला है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस प्रस्ताव पे आज मोहर लग सकती है। ऐसे ही तमाम ऐसे विभागों के कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट की बैठक में आएंगे। खासतौर पे देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों के प्रस्ताव बनके तैयार है और इसमें कैबिनेट की मोहर लग सकती है, ऐसी जो है संभावनाएं जताई जा रही हैं क्योंकि लगातार जो है मैं विभाग की तरफ से इसमें तैयारी की जा रही थी और ऐसे में एमजीजे और तमाम ऐसे विभागों की तरफ से इसमें रोड तैयारी जो की गई थी, प्रस्ताव तैयार किए गए थे तो आज कैबिनेट में वो आने वाला है और उस पर मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी के अलावा अगर हम देखें तो राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव है कैबिनेट बैठक में आ सकता है जिसमें की
मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कई ऐसे कहीं ना कहीं विभागों से जुड़े हुए, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, अन्य विभागों, कृषि विभाग का हो, वो जो प्रस्ताव है इस कैबिनेट की बैठक में आने वाले हैं और जिसपे की कैबिनेट की मोहर लग सकती है। खासतौर पर अगर हम देखें तो जो चिंतन शिविर से कई सारे ऐसे मंथन के बाद जो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही है कि अमृत निकला है, उस पे आगे क्या काम करना है, उसको कहीं उस पर कहीं ना कहीं एक रोडमैप के जरिए आगे बढ़ना है और डिस्कस करना है। तो कैबिनेट एक अपना एक रोडमैप तैयार करेगी और उसमें मोहर लगाएगी, उसी के अनुरूप आगे के जो काम है राज्य के वो करने हैं। तो आज खासतौर पे देखा जाए तो इसी पे मंथन कैबिनेट की हो सकती है। जी ग्यारह, देखिए इसे पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, कितने घंटे तक ये बैठक चलेगी, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए कहा नहीं जा सकता है कि इसमें कितना वक्त लगेगा। 11 बजे की बैठक थी लेकिन थोड़ा लेट शुरू हुई है, सभी मंत्री बैठक में मौजूद है। साफ तौर पर देखा जाए तो 2 दर्जन से अधिक जो प्रस्ताव है इस कैबिनेट की बैठक में आज आ सकते हैं, जिन पे मुहर लगने वाली है। विभिन्न विभागों से संबंधित ये जो प्रस्ताव है वो है और खासतौर पे एक एक बिंदुवार इसमें चर्चा के बाद जो है इसमें मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के सहमति के बाद इसमें निर्णय लिया जाएगा और कई ऐसे बिंदु हैं जिस पे की चर्चा करनी है कि किस प्रकार से इसमें आगे काम होना है। जी। तो ये समय का जो है नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 1-1.5 बजे के करीब जो है कैबिनेट खत्म होने को ब्रीफिंग हो सकती है। जी ग्यारह, देखिए अब बैठक के बाद ही पता चलेगा कि किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।